देखिए ब्रिज के गोपाल सोमवार से शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। कहा था रिश्ता जो है बराबर में होता है। तू चुरा कर दिखा दी ना उसने अपनी असलियत। मोई का जानू स्वामी, आपका दोषी है कौन, गोपाल या वो सन्यासी चैतन्य? दोनों दोनों की मिली भगत है। ये कहां से टपक पड़ा? तुम यहां क्यों आए हो भाई? जाकर करो अपना व्यापार। व्यापार ही तो करने आए हैं प्रभु। देखिए यदि आपका वो खास तराजू मिल जाए ना तो बहुत बड़ी कृपा होगी प्रभु। यार कितनी कृपा करें तुम पर साहूकार, अब तो गिनना भी बंद कर दिया। अरे आप तो माई बाप है हमारे प्रभु। जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा करोगे तो उद्धार होता रहेगा, पेड़ बार भी होगा। भज्जी महाराज, जहाँ आपको प्रभु का आभास हुआ था वो स्थान बताने का कष्ट करेंगे आप? मैं भी वहां जाकर पूजा करूंगा तो मुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। देखो भाई गोपाल, वो जो अद्भुत आभास था वो शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन। वो पल जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन मिल रहे हैं, वो पल अनूठा था। और प्रसाद के रूप में मुझे प्रभु दर्शन मिले। और वो स्थान तो जंगल के बीच है। जंगल के बीच? फिर तो मुझे वहीं जाना चाहिए। मुझे तो केवल प्रभु का आभास हुआ था, परंतु हो सकता है कि कोई यदि विशेष जाए वहां पे तो उसे प्रभु दर्शन प्राप्त हो। अब देवराज इंद्र से विशेष भला और कौन होगा? देवराज इंद्र, चलिए प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन का समय हो चला है। लगता है मुझे भटका दिया है इस चरवाहे गोपाल ने। श्री कृष्ण के दर्शन इतने भी सरल नहीं है। देवराज नकारात्मक विचार अपने मस्तिष्क में मत आने दो। यदि वो लीलाधर हैं तो तुम भी तो स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र हो। श्री कृष्ण, आप जहां भी छिपना चाहें छिप जाइए, मैं अपनी पैनी दृष्टि आप पर बनाए रखूंगा और आपको ढूंढ कर रहूंगा। वो ना हो, उसी ने कुछ किया है। ऐसा चमत्कारी मेरे पास क्यों नहीं? जैसा ये कर रहे हैं समय आने पर पैसा ही इन्हें भरना भी पड़ेगा। मोहे का जानू स्वामी, उस सन्यासी का कुछ करते क्यों नहीं? अगर उस सन्यासी ने कल कुछ गड़बड़ की तो उसका उद्धार भी करूंगा और बिना पार भी करूंगा। ये फिर से आ गया मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? इस तरह अपना धन नष्ट मत कीजिए, वो इंद्रदेव हैं। उन्हें इस तरह के प्रलोभन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इस सबसे ना तो प्रसन्न होंगे ना वो चढ़ावा स्वीकार करेंगे।